कोल्ड ड्रिंक ना मिलने पे बच्चा हुआ दुखी। स्मूथी पियो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज जेरी का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज संडे है और जेरी अभी तक मतलब सो रहा है। डेली सुबह जल्दी उठता है, ऑफिस के लिए खाना बनाता है, तो मैं सोचा आज जेरी के लिए मैं चाय बनाता हूँ क्योंकि चाय मैं अच्छी बनाता हूँ। देखो, वैसे मैं शाम की चाय बनाता हूँ लेकिन संडे को चाय ना मैं ही बनाता हूँ। तो अभी देखते हैं जेरी को, जेरी उठा है या नहीं। आज मैं सरप्राइज दूंगा, गरीबों वाला सरप्राइज। एक्चुअली ये ज़्यादा अच्छा है लेकिन चीप है, कॉस्टली नहीं है। और हे जेरी, ए उठो, ए चाय चाय चाय। आज मैंने बनाई चाय है, खिड़की खोलते हैं थोड़ा। हाँ आज आपका ब्लॉगिंग मैंने उठा लिया। मेरी आवाज धीमे आती है, अभी क्या कर सकता हूँ, मैं धीमे बोलता हूँ। मैं एक्चुअली दिखता टफ हूँ लेकिन मैं टफ हूँ नहीं, बाहर से टफ दिखता हूँ बॉडी की वजह से। अब मैं इसके बदले 4 बार चाय मांगेगा, आज संडे है, एक चाय के बदले 4 बार चाय मांगेगा आज मैं। अच्छी तो बनाई, लग तो रहा है कि अच्छी बनाई है। मेरी चाय के 10 में से 10 नंबर रहते हैं, आपकी चाय के 7.5 नंबर ही रहते हैं। मैं तो अभी पी के बनाऊंगी लेकिन मैं चाय अच्छी बनाता हूँ। काफी टाइम की दौड़ है, मेरे फोन कहाँ है? ये आपके फोन में ही तो आपका व्लॉग बना रहा हूँ। हाँ संडे है तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया आपका, देखो है ना। थैंक यू मनु, आज मेरे लिए चाय बना के लाए हैं। अब ये चाय अच्छी बनाते हैं, पता नहीं क्या डालते कैसे बनाते हैं, बट अच्छी चाय बनाते हैं। चाय मनु भी व्लॉगिंग कर रहे हैं। नहीं आप क्या कर रहे हो, फोटो खींच रहे हो? फोटो चाय दिखाओ आप। एक मिनट रुको, चाय दिखाता हूँ। जेरी जेरी, मेरी टी शर्ट पे जेरी बनाया, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। रुको रुको, एक बढ़िया पिक खींच लेते हैं। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। वैसे ना मनु हमेशा संडे को अगर मैं सो रही होती हूँ तो ले आते हैं चाय, अगर मैं जग रही होती हूँ तो कुछ नहीं उठा देते हैं, लेकिन कभी कभार ले आते हैं कि उनका मन कर जाता है तो बना के ले ही आते हैं। आज लेकर आ गए जैसे। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ पोहा, एग फ्राई, और मनु ने जो चाय बनाई थी वो थोड़ी सी बच गई थी तो मैंने उसमें थोड़ा सा बढ़ा दी है, तो बस हमारा ये नाश्ता हो रहा है अभी। शाम के 5:30 बज गए हैं, संडे का टाइम होता है तो इतना काम रहता है पूरे दिन। सुबह के बाद अब मेरा ब्लॉग दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे काम होते हैं संडे को, सभी क्या होते हैं। और मनु लेटे हुए हैं, अपना ऑफिस का थोड़ा बहुत काम किया संडे को भी। जिम कहाँ, आज तो हमारी जिम बंद है ना, घर पे करना है। लेकिन अभी बाहर जाना है, दूध लाना है, सब्जी लानी है, और तुम्हारे एग भी नहीं है, और क्या होता है, एक शादीशुदा होने का फर्ज भी तो निभाना है। हाँ शादीशुदा होने का फर्ज निभाना है, सारा सामान लेके आना है, बाहर जाना है अभी।
और जैसे कि मनु ने सुबह चाय मेरे लिए बनाई थी तो अब शाम का टाइम है तो अब मैं मनु के लिए चाय बना लेती हूँ। तो अभी देखो थोड़ी देर बाद हमें बाहर भी जाना है। अब देखो मेरा फोन कर अच्छा आ रहा है। ये वाली डिजाइन अच्छी लगती है, लई वाली। ये कलर थोड़ा वैसा हो गया पर कोई बात नहीं, फर्स्ट ट्राई था। यहाँ पे हम आए हैं सुपरमार्केट। यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत घर का ग्रॉसरी का सामान जो ख़त्म हो गया था, मतलब ख़त्म होने वाला होता है तो हम लोग सोचते हैं कि पहले ही ले लो, और आज संडे था थोड़ा सा शाम को बाहर भी निकलना तो हमने कहा थोड़ा सब्जी वगैरह भी ले आते हैं और ग्रॉसरी का सामान भी ले आते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत नमक चीनी वगैरह, ये जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाए तो दिक्कत हो जाती है, जैसे चीनी और चाय की पत्ती और नमक हो गया तो हमें वो तो लेना था। फिर उसके अलावा तो और भी सामान ऐड हो ही जाते हैं हर जगह पे, और मनु हर बार सुपर मार्केट में जाके अपने ड्राई फ्रूट सेक्शन में जाके खड़े हो जाते हैं। ये तो पता नहीं तो ये छोटी सी शहद की सीसी थी, इतनी क्यूट थी, इतनी 15 रुपए की जाने 20 की, बहुत क्यूट थी। मुझे छोटी चीज़ें बहुत पसंद अच्छी लगती है, क्यूट क्यूट सी। और यहाँ मनु को एक जगह रास्ते में एक छोटा सा डॉगी मिल गया था तो हम पार्ले जी बिस्किट वहाँ से लाई थी तो एक पूरा पैकेट खिला दिया। वैसे मनु को ना स्ट्रीट डॉग वगैरह को खिलाना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। कोल्ड ड्रिंक ना मिलने पे बच्चा हुआ दुखी। अरे कहा था कि दूध ला रहे हो तो दूध की दुकान पे कोल्ड ड्रिंक ले आना, आज वहां से बुलाना भूल ही जान से ये सामान लेकर आई। स्मूथी पियो। ये नहीं है, मेरे को अभी चाहिए, मेरे लिए को थम्स अप लेके आओ। इसने मम्मा से बैठी थी आज कोल्ड ड्रिंक पिएगा, मैच देखेगा। फाइनल कोल्ड ड्रिंक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, प्लीज अवॉइड। वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक कभी कभी पीती हूँ, डेली नहीं पीती हूँ। ऐसे मेरा मन कर गया था पर वो कहते हैं हेल्दी नहीं होती, हेल्दी भी नुकसान करती है, मत खाओ, खुद चॉकलेट डोनट खाते रहते हैं तो उनका खाने का मन था, लेकर आए थे, मैंने कहा चलो दे देती हूँ खाने के लिए। लो अपना डोनट लो, ऐसे ऐसे खा लो, प्लेट में क्या लाऊं, देखो ऐसे खुल रहा है ये। हाँ अपनी डाइट चॉकलेट वॉकलेट मेरी कोल्ड ड्रिंक नहीं लाए, लेके आना अभी थोड़ी देर में। चम्मच आई होगी, ऐसी खाते हैं, कट से खाते हैं वो, नहीं देखा है डोनट वाला डोरेमोन, नहीं डोनट कौन खाता है पता नहीं, लाती हूँ। कैसा है? ठीक है, आधा खाऊंगा मैं बस, आधा तो आधा रख लो, फ्रिज में रख देना जितना खाना, मेरे को नहीं पसंद है। डोनट ज्यादा पसंद नहीं आ रहा तो अब चॉकलेट वाला चोको चिप्स खाया जा रहा है। अच्छा मनु ना एक वैसे वो रहे हैं, क्या बोलते हैं, लकी बॉयफ्रेंड और हस्बैंड भी, क्योंकि मुझे चॉकलेट इतनी सी भी पसंद नहीं है, मुझे चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं है। मनु जब स्टार्टिंग में मुझे कभी बार चॉकलेट दे देते तो मैं नहीं खाती थी, मैं अपने दोस्तों में बांट देती थी फ्रेंड्स वगैरह में, और अभी भी नहीं खाती है। मेरे को पता नहीं, चॉकलेट मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है, चटपटा चटपटा पसंद रहता है। तो यू आर लकी हस्बैंड। पे मैंने ग्रॉसरी का सारा सामान बाहर निकाल लिया, सारी कॉमन चीज़ें। एक आध चीज़ें मुझे अलग सी दिख गई, जैसे कि छोटू सा मैगी का पैकेट, जो जब मैं छोटी थी तो ये 2.5 रुपये का मिलता था, अब ये 5 रुपये का है। और कुछ फूड कलर वगैरह और कुछ अपनी फेवरेट मटर वाली नमकीन लेकर आई हूँ, बाकी सब मनु भी चीज़ें अपनी लेकर आए हैं। तो एक्चुअली मतलब शाम को ना मेरा सर दर्द होने लगा तो मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पा रही थी, तो इस ब्लॉग का मैं अभी एंड कर दे रही हूँ यहीं पर। मिलते हैं आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।